उनका विशेषण दिया गया यज्ञ पुरुष है, जो यज्ञ के भोक्ता है, जो यज्ञों को वास्तविक आस्वादक है, यज्ञ पुरुष है और समस्त देवताओं के और वैदिक मंत्रों के अर्थ नियामक तया विद्यमान है। मतलब किसी भी देवता के लिए मंत्र जो पढ़ा जाता है, इंद्राय स्वाहा, ये सूर्याय स्वाहा, तो वास्तव में उसके वास्तविक विषय श्री कृष्ण, उनके लिए मंत्र दिया जाता है। वेदेश सर्वे रहमे वेद, तो भगवान की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सर्व देवता लिंगा नाम मंत्रा नाम अर्थ नियामक तया साक्षात्कर्तरी पर देवता नाम भगवती वासुदेव। स्पष्ट नाम दिया गया है किसको अर्पित करते थे कर्म फल, वासुदेव को। और वासुदेव शब्द आने के बाद विवाद नहीं रह जाता है, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, और वसुदेव का दो अर्थ होता है, एक नंद महाराज का पुत्र और दूसरा वसुदेव जी का पुत्र। नंद महाराज भी वसुओं में श्रेष्ठ है, इसीलिए भी उनको वसुदेव कहते हैं, वसुनाम देव वसुदेव। नंद बाबा का नाम भी वसुदेव है, और वसुदेव जी जो मथुरा जी के हैं उनका भी नाम वसुदेव, तो वसुदेव का जो पुत्र है उसको वासुदेव कहते हैं। अथवा वसुदेव शब्द का एक अर्थ है विशुद्ध सत्व, तीनों गुणों से परे दिव्य स्थिति स्वरूप शक्ति, और उसमें जो प्रकट होते हैं उनको वासुदेव कहते हैं। हम लोग जो जन्म लिए हैं तो हम लोग वसुदेव प्लेटफॉर्म पर जन्म नहीं लिए हैं, महामाया के भीतर जन्म मिल गया है, माँ के गर्भ में आए आए वैसे आए, लेकिन जब बर्थ डे लिखना होता है तो हम लिख देते हैं अपीयरेंस डे। हम लोग प्रकट नहीं हुए, कोई याद नहीं है कि हम लोग दिल प्रकट हुए थे, कहाँ थे, कैसे आए, कहाँ से आए ये भी पता नहीं। जैसे मान लीजिए हम इस मंदिर के भीतर आ रहे और कोई कहे कि हाँ आपका अपीयरेंस हुआ है, और हमको ये भी न पता चले कि मैं कहाँ से आया और कब द्वार में आया, किसी को पता भी नहीं है कि हम गर्भ में कितना दिन थे, कहाँ से आए, पहले किस जोनी में थे, यहाँ आने के बाद बस अपीयरेंस डे। ये अद्भुत अद्भुत पाखंड है, वास्तव में बहुत सावधानी के साथ इन शब्दों को लिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग संसार में जनता का नाश करेंगे, सिद्धांत हम लोग गड़बड़ करेंगे और सारी जनता का नाश होगा। समझेंगे नहीं कि अपीयरेंस में और जन्म में अंतर क्या है, जब हम ही खुद नहीं समझाना चाहते तो दूसरा क्या समझेगा, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और सब करे आदमी, जो भी सत्कार किसी का करना है सब कुछ करे, लेकिन सिद्धांत गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अपने घर के कोने में चाहे वो पर ब्रह्म कह दे, किसी को भगवान कह दे, जो भी कहना हो कह ले, लेकिन समाज में और पेपर पर न दे, कागज पर न छापे, नहीं तो दूसरे लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या चालू हो गया। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, इसीलिए वासुदेव शब्द दिया जाता है, जो विशुद्ध सत्व में प्रकट होते हैं। भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो उसके पहले ही चित शक्ति स्वरूप शक्ति आविर्भूत होती है, पहले वो तो कभी माया जगत में रहते नहीं है। जैसे सूर्य कभी भी अंधकार के बीच नहीं रह सकता है, रो योजन में प्रकाश छा जाता है, पहले ये सूर्य में अंधकार का कहां प्रसिद्ध। तो भगवान है पूर्ण सच्चिदानंद घन है, तो जहां भी प्रकट होते हैं तो अपने स्वरूप शक्ति में प्रकट होते हैं, और हम लोग महामाया में प्रकट हुए। प्रकट भी मान लीजिए किसी को कहा जाए कि प्रकट हुआ है, तो देह के बोरा में कस करके प्रकट हुआ है, देह में बंद करके और सूक्ष्म जीव को प्रकट किया गया, ये कोई प्रकट है, ये कोई प्राकट्य है। आपके ऊपर कई तहत बांध करके और कहीं किसी बस में चढ़ाया जाए और कहा जाए प्रकट हो रहा है, कपड़ा बोरा प्लास्टिक बांध कर आंख नाक कान सब कहा जाए प्रकट हो रहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते मेरा जन्म कर्म दिव्य, ऐसा नहीं बस किसी का जन्म कर्म दिव्य लिख दो, कुछ भगवान बोल रहे हैं, भगवान की बातों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ वासुदेव शब्द दिया जा रहा है, यह केवल कृष्ण के लिए है। तो अपना जो भी धर्म था, फल था, स्वर्ग लोक परलोक में जो कुछ भी उनको फल मिल रहा था, सब कुछ कृष्ण को दे रहे थे, सब कुछ कृष्ण को दे रहे थे। वो जो कर्म कर रहे थे अपने प्रभु की आराधना कर रहे थे, भोगने के लिए नहीं कर रहे थे, इतना परफेक्ट भक्त थे कि उनके जीवन में भोगों का नामो निशान नहीं, तो भगवान की आराधना कर रहे हैं। और कृष्ण को यहां लिखा गया है पर देवता, सप्तमी में पर देवता या देवता का अर्थ होता है आराध्य और पूज्य, तो भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य है।
हम लोग अपने जीवन में किसी न किसी को खुश करना चाहते हैं अपने व्यवहार से, हम लोग अपने व्यवहार से किसी को प्रसन्न रखना चाहते हैं। तो हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें, यही हमारा स्वरूप। हमारे लिए पर देवता है श्री कृष्ण। अपनी वाणी से, व्यवहार से, वचन और किसी भी तरह से अपने कर्म से भगवान को प्रसन्न करना है। राजर्षि भरत जानते थे कि हमारे आराध्य भगवान कृष्ण है, उन्हीं को प्रसन्न करना है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, और वैसे यज्ञों के साक्षात्कर्ता भी भगवान है। यज्ञ में घी डाला जाता है या चावल, जौ, यज्ञ की सामग्री, वो सब भी भगवान ने पैदा किया है, हम लोग पैदा नहीं करते। भगवान सारी भूमि बनाए हैं, इसमें पैदा करते हैं अन्न, जल, जो कुछ भी, और उसी को अर्पण करना है भगवान को। हमारे देह में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए साक्षात कर्तरी कहा गया। साक्षात किसी भी वस्तु के उत्पादक भगवान विष्णु है, साक्षात कर्तरी उसको कहते। ऐसे इनडायरेक्ट में तो बहुत बहुत लोग करने वाले हो गए, कोई चीज बना करके और कंपनी का मुहर मार दो, हमने किया है, मैन्युफैक्चर बाय दिस। लेकिन मूल रूप से उस वस्तु को आप विचार कीजिए कि कहां से वस्तु आई है, तो पता लगेगा कि ये भूमि से आई, भूमि से आई, कुछ रूपांतरण करके और इसके बाद मुहर लगा दी। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये वस्तु कहां से आई है। आज के युग में तो लोग यही समझेंगे कि प्रत्येक वस्तु स्टोर से आ रही है, दुकान से आ रही है। एक दिन मैं ये बात कह रहा था तो अमेरिका में एक व्यक्ति कहा कि यहां के बच्चों को ये मालूम नहीं है कि दूध गाय से आता है, क्योंकि देखे नहीं कभी गाय दुहते हुए। वो समझते हैं कि वास्तव में कहीं फैक्ट्री से या दुकान से ये दूध आ रहा है। जो गाय दुहते हुए देखा होगा, दूहा होगा, वो जानेगा कि दूध गाय से आ रहा है। गाय कौन बनाया? भगवान बनाए। तो धरती बनाए, घास बनाए, चढ़ करके दूध देती, उससे घी निकलता है और घी देवताओं के लिए हवन किया जाता है। तो कौन किया, ये कौन बनाया, कौन साक्षात करता हुआ? हम हुए, हम घी बनाए हैं, हम दूध बनाया, या हम जौ बनाए, हम क्या बनाए? जग कुंड में जो ईंटा लगता है या जो भी रत्न चांदी सोना है, वो भी हम नहीं बनाते। तो सब कुछ तो भगवान का है। जो ऐसा है कि मनुष्य चाहता है कि लोगों को पता न लगे कि सब कुछ भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। किसी भी चीज को पैक कर दो, कागज में दो, पैकिंग करो, और उसके ऊपर ये नहीं लिखते हैं मैन्युफैक्चर बाय गॉड। अगर ये लिखा जाए कि ये भगवान ने बनाया है, तो कुछ विचार आएगा भगवान हमको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन आदमी का नाम रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, ये रहेगा, इस तरह का। इस समय कलयुग में ज्ञान नहीं होने का अनेक उपाय है। ज्ञान हो ही नहीं सकता, लोग शहरों में रह रहे हैं, कोई गांव पहाड़ में घूमते नहीं है। तो शहर में तो प्रत्येक चीज पैकिंग में आ रही है और नाम दूसरे का है। तो यहाँ साक्षात्कर्ता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। राजर्षि भरत जानते थे कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादक कृष्ण, इसलिए प्रत्येक वस्तु के भोक्ता भी वही। जब सब कुछ उन्होंने पैदा किया है तो वही उसके भोक्ता है। इसीलिए स्वर्ग का फल या इस भूलोक का फल सब कुछ अर्पित करते थे भगवान। क्यों ऐसा करने में समर्थ थे? तो आत्मनैपुण्य मृदित कषाय, जो भगवत अर्पण उन्होंने अपने जीवन को किया था, अपने कर्म फल को, तो यही है आत्मनैपुण्य। आत्मनैपुण्य का अर्थ है बुद्धि की कुशलता, और इस बुद्धि की कुशलता के कारण उनका कषाय, उनकी कर्म वासना, मतलब भोग वासना नष्ट हो चुकी थी। उनके हृदय में कोई वासना नहीं थी भोगने की, इसीलिए इतना उत्कृष्ट कर्म फल भी भगवान को अर्पित करते थे। तो फिर भी प्रश्न उठता है, जब जग करते थे तो इंद्राय स्वाहा बोलना ही पड़ता होगा, चंद्राय स्वाहा या सूर्याय स्वाहा, ये जग में बोलना पड़ता। तो उस समय ये क्या करते थे? तो उस समय ये कहते हैं, उस समय वे पांच देवान पुरुषान पुरुष अवयेशु अभिध्याय, जब देवताओं का मंत्र पढ़ा जाता था तो राजर्षि भरत उस हवि को ऐसा मानते थे कि भगवान के अंग को दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए इंद्राय स्वाहा बोला जाए, वो शास्त्र कहता है कि इंद्र भगवान की भुजा है या इंद्र का आवास भगवान की भुजा में। तो राजर्षि भरत यही ध्यान करते थे कि यह अभी भगवान की बाह को दिया जा रहा है, भुजा को दिया जा रहा है। ये ध्यान, इंद्र एक अलग देवता है, उनको दिया जा रहा है, ये भावना नहीं करते थे। भगवान की भुजा को दिया जा रहा है, इंद्र भगवान की भुजा है। कोई भी देवता भगवान से सेपरेट नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान विष्णु से या कृष्ण से देवताओं का अलग राज्य है, अलग सत्ता है, सभी भगवान के अंग हैं।
तो अंगों की भी सेवा होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी के लिए, मान लीजिए किसी के लिए जूता लाए आप खरीद करके और कहे कि मैं जूता आपको दे रहा हूं, पैर को मत देना, ये जूता पैर को मत देना, मैं आपके लिए जूता लाया, ये मूर्ख कहेंगे। वो जो अंग है, जो पैर है उस व्यक्ति का, वो भी वह व्यक्ति है कि नहीं। अगर इस तरह से कहा जाए कि हम तुमको टोपी दे रहे हैं, कपार को मत देना, या हम तुमको कुछ चीज दे रहे हैं इसको मत देना, यह कहा जाए कि शिव जी को कुछ मत देना, इंद्र को कुछ मत देना, इसका मतलब यह है कि हम कृष्ण के लिए यह कहते हैं कृष्ण के हाथ को कुछ मत देना, कृष्ण को दो, कृष्ण के पैर को मत दो, कृष्ण को दो, इस तरह से करते। तो भगवान को अर्पित करने के कई उपाय, कई तरह के उपाय हैं। ये देवता देवी सब भगवान के अंग हैं, तो कदाचित उन्हें हमें कुछ देना हो, अर्पित करना हो, तो यही मान करके देना चाहिए कि यह भगवान का अंग है, मैं कृष्ण को दे रहा हूं, यह देने की विधि। इसीलिए भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव दिव्यः। वेद में अन्य देवताओं का कोई उल्लेख नहीं है, वास्तव में भगवान का वर्णन। तो जब हवन में, जब अग्नि कुंड में डाला जाता था हवि और उसका फल बनता था बहुत, तो यही भावना करते थे राजर्षि भरत की भगवान के इस अंग को दिया जा रहा है, जिसे सूर्याय स्वाहा बोला जाता था, तो यह भगवान की आंखों को दिया जा रहा है। आंखों को देते हैं कि नहीं, हम लोग चश्मा पहनते हैं, कई कई दवा लगाते हैं, तो आंखों को ही दिए हैं ना। ये चश्मा बनाकर किसी को दीजिए, कहना यहां को मत देना, आप पहनना। बहुत उदार भाव से समझने से भगवान का मतलब ही होता है संपूर्ण जीवों के साथ, उनसे कभी सेपरे के अलग जीव के होने का प्रश्न ही नहीं, संपूर्ण शक्तियों के साथ वे हैं। जैसे सूर्य अनंत प्रकाश के साथ है, वैसे भगवान समस्त देवताओं के साथ। तो राजर्षि भरत किसी भी दशा में भगवान के अंग का चिंतन करते थे। पुरुष अवयेषु अभिध्यायत, पुरुष के अंगों में ध्यान करते थे देवताओं का, और इसलिए उनका संपूर्ण भजन भगवान के लिए हो रहा था। मुख्य बात यह है कि हमें सीखना है कर्म किसके लिए करें, फल तो बनेगा, यदि सर्विस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो फल तो बनता ही है, कुछ आमदनी होती है या मासिक वेतन मिलता है, वो फल है, तो हम किसके लिए ये फल कमा रहे हैं। आज राजर्षि भरत से और अपनी तुलना करके हम देखें, वास्तव में हम मृदित कषाय नहीं, हमारे अंदर वासना है, हम परिवार के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, केवल कृष्ण के लिए करें, ऐसा विरले कोई कोई है। केवल कृष्ण के लिए काम करें, जो भी फल बनेगा, तदीय वस्तु गोविंद धन्यव समर्पण, ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो राजर्षि भरत इस प्रकार कर्म करते थे। इस कर्म का परिणाम क्या हुआ, इस कर्म का कर्म इस तरह से शुद्ध कर्म का फल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एवं कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्य अंतर हृदय का शरीरे ब्रह्मरी भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपों को लक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ बनमालारी दर गदाधि उपलक्षित निज पुरुष हृदय लिखित आत्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उच्च स्तराम भक्ति अनुबिल एधमान गया अजायत। इस प्रकार से जब उन्होंने शुद्ध कर्म किया तो उस शुद्ध कर्म से इनका हृदय शुद्ध हो गया, पूरा पूरा विशुद्ध विशेषण शुद्ध। कर्म की शुद्धि क्या है, कर्म फल भगवान को दे दिया जाए, यही कर्म की सबसे बड़ी शुद्धि है। कर्म करने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, अनेक प्रकार की असंगति उत्पन्न होती है, जो कोई भी काम है, लेकिन जब हम फल भगवान को अर्पित करते हैं तो कर्मों का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। इसको लिखा गया कर्म विशुद्ध्या विशुद्ध सत्वस्य, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पाप कर्म करे और फल भगवान को दे दे। ध्यान रखिए कि पाप कर्म का फल भी पाप होगा, तो पाप का फल यदि भगवान को हम देते हैं तो इसका मतलब भगवान सफर करेंगे, ये सावधान रहना चाहिए। जैसा कर्म होगा उसके अनुसार ही फल होगा, ऐसा नहीं कि गाय काट करके और बेच करके गोमांस का पैसा हम भगवान को अर्पित करेंगे तो इसका मतलब हम भगवान को नरक में भेज रहे हैं, ऐसे भगवान कर्म फल से शून्य है, उन पर कर्म फल लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि हमारा स्नेह है कृष्ण से तो हम उनको गलत कमाई का पैसा नहीं दे सकते,
कभी कभी हमने लोक में ऐसा देखा है कि लोग दान देना चाहते हैं, कोई गलत कमाई का पैसा होता है तो कहते हैं इसको लेकर इधर लगा दीजिएगा। मैं एक बार एक व्यक्ति से कहा कि नहीं, इसको अपने पुत्र में लगा दीजिएगा, तो वो कहे नहीं नहीं बहुत गलत कमाई का पैसा है, हमारे पुत्र को इससे बड़ा तकलीफ होगा, उसका भावी जीवन खराब होगा, इतना गलत पैसा हम पुत्र को नहीं देंगे। और कृष्ण को जहर दे गए, उस समय को कृष्ण में कोई ममता नहीं, हम कोई भी पैसा उनको देना चाहते और सिद्धांत बना देते हैं कि कुछ भी करो पैसा अर्पण कर दो भगवान को, बस सब शुद्ध हो गए। ये गलत है, वास्तव ये टोटल गलत, बिल्कुल विशुद्ध कर्म का पैसा भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि भगवान से हमारा प्रेम है तो हम क्या उनको बीस अर्पित करेंगे, ये सीखने की बात है। इसीलिए हम कर्म विशुद्धि कहा गया, कर्म विशुद्धि से मतलब शुद्ध कर्म करने से, भगवत अर्पित कर्म करने से सत्व अंतःकरण शुद्ध हो गया, मतलब उसमें कोई कामना नहीं रह गई। तो जब विशुद्ध सत्व हो गया तो उन राजर्षि भरत में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, उच्च स्तराम भक्ति अजायत, उच्च स्तराम बहुत शुद्ध भक्ति और ऊंची भक्ति भगवान में उत्पन्न हो गई, दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। भक्ति तो पहले से भी थी लेकिन भक्ति बढ़ती गई। और अनुदिनम एधमान रया, रय का अर्थ होता है वेग, भगवान श्री कृष्ण में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो गई कर्म करने से, शुद्ध कर्म करने से, जो अनुदिनम एधमान रया, जिसका वेग दिन पर दिन बढ़ता जाता था, रोज रोज भक्ति बढ़ती जा रही थी, आज की अपेक्षा कल बढ़ी, कल की अपेक्षा परसों, दिन पर दिन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसीलिए अनुदिनम एधमान रया, ये धमान गया का बढ़ती हुई, गया मैंने वेग, जिसका वेग बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। भगवान में भक्ति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि 96 में कुछ भक्ति की और 97 पहुंचते ही शिथिल हो, या आज की अपेक्षा कल कुछ शिथिल हो जाए, दिन पर दिन भक्ति बढ़नी चाहिए। इसको अनुदिनम ये धमान गया के राजर्षि भरत की भक्ति दिन पर दिन बढ़ रही थी। और राय शब्द लिखा गया, राय का अर्थ होता है वेग, होश, बहुत वेग से बढ़ रही थी भक्ति, जैसे कोई नदी की धारा बरसात में बड़े वेग से बढ़ती है, उफान आता है, ऐसे भक्ति उफान मारे थे, भगवान का प्रेम बढ़ने लगा बढ़ने लगा। ये है अमृताख्या, सब कुछ करने का फल क्या है कि राजर्षि भरत की भक्ति बढ़ने लगी। किसके प्रति भक्ति? अंतर हृदय काश शरीर, ये भगवान का विशेषण है, जो अंतर हृदय है, हृदय के भीतर जो आकाश रहता है उस आकाश में भगवान आविर्भूत होते हैं। तो अंतर हृदय जो है वही शरीर है भगवान का। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि कहां पर आकाश है, मनुष्य का जो हृदय है कलेजा है उसके भीतर कुछ आकाश है, उसी में भगवान प्रकट होते हैं, परमात्मा अंतर्ज्ञान, अंतर हृदय आकाश शरीर वही उनका शरीर है, मतलब उनके चारों तरफ वो आकाश रहता है, वो है स्वरूप शक्ति में, लेकिन उनके चारों तरफ है आकाश रहता है। कहाँ का आकाश? अंतर हृदय का आकाश। आज का कोई भी विज्ञान इस तरह बता नहीं सकता है कि अंतर हृदय कहाँ है, लेकिन निश्चित है कि भगवान यहाँ पर हैं। कभी कभी हम लोग गांव में कहते हैं, कोई लड़का झूठ बोलता है तो हम लोग कहते हैं छाती पर हाथ रख करके बोलो, तो छाती पर हाथ रख करके बोलने का मतलब है कि भगवान को छू करके बोलो, तो लड़का नहीं रखता है हाथ कोई जगह नहीं। अगर झूठ बोलना होता है तो वो दूसरे तरह से बोलता है, लेकिन छाती पर हाथ रख करके नहीं। पर आजकल के लोग तो ये भी सब घोर करके पी गए, कुछ भी करो छाती पर हाथ रखा लो, चाहे डीटी का चरण छुआ लो तो झूठ बोलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ है, इसीलिए किसी बच्चे को अगर कोई गलती करे कुछ भी, तो मारना भी हो तो पीठ पर मारना चाहिए, आगे नहीं, अभी हम भगवान का बात करते हैं। और इंजन भी यहाँ है शरीर का, मारने में ये नियम है। अच्छा, भगवान के पीठ में अधर्म रहता है, तो हम लोगों के भी पीठ में अधर्म रहता है, तो कभी कुछ एक अस्तमाचा मारना भी हुआ तो यहाँ मारना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ कान खराब होता है, आंख खराब होती है, बच्चों को कुछ दंड देना जरूरी होता है, तो पीठ पर देना चाहिए।
तो भगवान यहाँ रहते अंतर हृदय में, और ब्रह्मणि सब जगह ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मणि ब्रह्म है, मतलब माई तत्व नहीं है, सच्चिदानंद घन चिन्मय ब्रह्म। और भगवती छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण जो है, क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव में कृष्ण में भक्ति हुई। महापुरुष रूपेण उपलक्षण, महापुरुष रूपोपलक्षण। महापुरुष कहते हैं कारणोदर्शायी भगवान को, महापुरुष। हम लोग थोड़े दिन के लिए साधारण पुरुष हैं, वास्तविक नहीं है, लेकिन काम चलाऊ पुरुष हैं। पता नहीं अगले जन्म में फिर साड़ी पहनना पड़ेगा, औरत होने पड़ेगा, है कि नहीं, बदल जाना पड़ेगा। आजकल लोग गुमान करते हैं कि हम पुरुष हैं, अगले जन्म में स्त्री होना पड़ेगा, और हम स्वामी भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। तो महापुरुष हैं भगवान कारणोदर्शायी, उनकी चार भुजाएं हैं, बनमाला आदि पहनते हैं, जिसको महापुरुष रूप कहते हैं। तो भगवान वासुदेव का भी, कृष्ण का भी महापुरुष उपलक्षण रूप है, मतलब चतुर्भुज रूप, भगवान श्री विष्णु। तो उनमें भक्ति उत्पन्न हो गई, भगवान श्री कृष्ण भी चतुर्भुज रूप से रहते हैं। तो उसी को कह रहे हैं क्या महापुरुष रूप है? श्रीवास कौस्तु बनमाला हरिवर गदा विधि उपलक्षित, क्लियर वर्णन। किस भगवान में भक्ति उत्पन्न हुई, यहां ऐसे कहना पड़ेगा, कौन से भगवान, उनका क्या रूप है? तो जो श्रीवत्स धारण करते हैं, जो कौस्तुभ धारण करते हैं, जो वनमाला और चक्र शंख और गदा धारण करते हैं, ऐसे प्रभु में इनकी उच्च स्तर भक्ति अजायता, उच्च भक्ति उत्पन्न हो गई, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये है भगवान का वर्णन। भागवत में आप कहीं भी भक्ति का मतलब ये नहीं पाएंगे कि कृष्ण के अलावा और किसी और की भक्ति, उसको भक्ति कहते नहीं। भक्ति का मतलब ही है कृष्ण भक्ति। तो किसी को कलयुग में आगे चलकर संशय हो सकता था, भाई केवल भगवान कह दिया जाए तो बहुत संशय होगा कि किसमें भक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए यहाँ पर भगवान के आकार का, रंग का, हथियार का, सबका वर्णन किया जा रहा है। जो कौस्तुभ धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं, महापुरुष रूप जिनका प्रसिद्ध है, और निज पुरुष हिम लिखित आत्मनि पुरुष रूपेण विरोचमान उत्तरम भक्ति रह जाएगा। अपने भक्तों के, निज पुरुषों के हृदय में जो लिखित चित्र की तरह अंकित रहते हैं, ऐसे भगवान में भक्ति उत्पन्न होगा। निज पुरुष हृदय लिखितेन, लिखित समझते हैं, लिखित, लिखित कहते हैं जैसे पत्थर पर कुछ लिख दिया जाए या पेंटिंग बनाया जाए, उसको लिखना कहते हैं। तो भक्तों के हृदय में भगवान वैसे रहते हैं जैसे कहीं कुछ लिख दिया गया, न भूलते नहीं। इतना अधिक सुंदर है, इतना रसमय भगवान है कि उनकी छवि मन से जाती नहीं है। इसको निज पुरुष हृदय लिखित कहते हैं, लिखित, लिख दिया गया, और वो भी पत्थर पर लिखा हुआ। कागज का लिखा हुआ तो पानी वाली में गल सकता है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन पत्थर पर लिखा हुआ। और लिखित के दो अर्थ है कि कभी मिटता नहीं है और स्पष्ट, जैसे हम लोग चित्र देख रहे हैं दीवालों पर, तो इस तरह भक्तों के हृदय में भगवान का यह रूप नित्य उदित रहता है, देखते रहते हैं, नख से सिख तक, सिख से मख तक। तो ऐसे प्रभु में राजर्षि भरत की भक्ति उत्पन्न हुई। इसका अर्थ यह है कि उनके हृदय में सर्वदा भगवान का किया छवि बसी रहती थी। कोई भी कर्म करते थे तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तो काम करें या कहीं घूम रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, लेकिन भगवान का वह रूप है लिखित चित्र की तरह उनके हृदय से ओझल नहीं हो रहा था। अभी गृहस्थ है, घर गृहस्थी में, राजकाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में राज था, उस समय भी इनकी इतनी भक्ति उत्पन्न हो गई। आजकल सामान्य गृहस्थों को कहा जाता है कि 16 माला जप करो, तो कहते हैं इतना समय नहीं। और इस पूरे विश्व का राजा भगवान को अपने हृदय में ऐसा लेकर चलता था जैसे चित्र, कभी भूलते नहीं थे भगवान। गृहस्थ की भक्ति का वर्णन, कहीं भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। वास्तव में 16 माला जप कौन बड़ी बात है, 24 घंटे भगवान का स्मरण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रसंग को सुन करके अपने जीवन में उत्साह भरना चाहिए, हम भी भगवान का स्मरण करेंगे, हम भी उनके लिए कर्म करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, जो भक्ति दिन पर दिन बढ़, दिन पर दिन बढ़। संतोष नहीं करना चाहिए भक्ति में,
दिन पर दिन अपने अंदर अभाव का अनुभव करके और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। राजर्षि भरत पड़े हुए थे कि हमारी भक्ति और बढ़े और बढ़े। इतनी ऊंची भक्ति है, इतनी विशुद्ध भक्ति भगवान के प्रति है, दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा महसूस हुआ कि हाय हाय हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मैं व्यर्थ ही राजकाज में और दुनिया की माया में फंसा हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ करके और वन में जाकर के केवल कृष्ण की पूजा करो और दूसरा कोई काम न करो। भक्ति का ये फल हुआ और इसी के कारण वे राज्य छोड़ दिए। जब तक राज्य में थे इस तरह से भक्ति किए और भक्ति के लिए ही राज्य छोड़ दिए, और वन में जाने के बाद इनकी भक्ति यहां से भी 100 गुना ज्यादा बढ़ गई, जब घर में थे उससे भी अधिक। लेकिन उतने ऊंचे धरातल पर जाकर भी एक हरिण की आसक्ति उत्पन्न हो गई और पूरा पूरा नीचे गिर गया। आज पढ़ रहे हैं कि भगवान की छवि, भगवान का रूप चित्र की तरह इनके हृदय में हमेशा अंकित रहता था, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान का स्थान ले लिया हरिण, हरिण की छवि अब इनके दिल में 24 घंटे अंकित रहती थी। ऐसा पतन हो सकता है? यद्यपि राजर्षि भरत पर सामान्य सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है, वास्तव में भगवान ने सब किया था हम लोगों को सावधान करने के लिए। राजर्षि भरत में संभावना नहीं थी, लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों का पतन दिखा करके भविष्य में होने वाले भक्तों को सावधान करते हैं कि देखो उसने थोड़ी सी गलती किया तो ये हो गया, तुम सावधान रहो। इनके राज्य में जो भक्ति की इसका वर्णन हुआ, उसके बाद वन में चले गए तो वन में इन्होंने भगवान की भक्ति किया, उसका वर्णन कर रहे हैं। एवं वर्षा एक सहस्त्र पर्यंता वसित कर्म निर्वाणा वसलो अभिभुज्य मानव स्वतनेभ्यो रिक्थम पित्री तैता महाजथा गायम विभज्य स्वयं सकल संपत निकेता स्वनिकेता तुलहाश्रमं प्रभद्राज। इस प्रकार वर्ष अयुक्त सहस्त्र पर्यंता वसित करने वाले ये राज्य कितने वर्ष किए? करोड़ों करोड़ों वर्ष राज्य किए और फिर भी जीवित थे। क्यों राज्य किए इतना दिन? जब भक्ति उत्पन्न हो चुकी थी तो क्यों नहीं छोड़ दिए? इसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देते हैं कि कर्म निर्वाण का अवसर उन्हें अंत में प्राप्त हुआ। वे ऐसा महसूस करते थे कि भगवान की आज्ञा है, हमें कर्म करना है, हमारा कर्म बंधन है, हमें कर्म करना है, प्रजा का पालन करना है। मन में कभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं भगवान का भक्त हो गया। भाव यही रहता था कि मैं एक देहहीन गृहस्थ हूँ और मुझे मेरा अधिकार यही है, मुझे यही करना चाहिए, तब धीरे धीरे हमारा कर्म फल खत्म होगा। अभी मैं इसके लायक नहीं हूँ कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करूँ, ये सोचते थे हमेशा। लेकिन वो अवसर आ गया, भगवान की आज्ञा का पालन हो गया और तब अधिभुज मानव जिस शासन को, जिस राज्य को ये पहले भोगे थे, भोगने का मतलब शासन किए थे, या पिता पितामह की परंपरा से जो राज्य प्राप्त हुआ था, पितृ पैतामह पिता के द्वारा, पितामह के द्वारा जो राज्य मिला था उसे अपने पुत्रों को बांट दिए। स्वरिक्थम स्वतनेभ्य रिक्थम मतलब धन, अपने पुत्रों में बांट करके जथा दायम, जिसका जितना हक होता था उतना। पुत्र होने से ही सबको बराबर नहीं दिया जा सकता। आज के युग में नियम है कि एक पिता के कई पुत्र हैं तो सबको समान धन बांट दिया जाता है, यह गलत है। जितना जिसका दाय भाग है उतना ही देना चाहिए। पिता को अधिकार होता है कि वह पुत्रों को उनके दाय भाग के अनुसार देगा। जो बड़ा पुत्र होता है तो वह पिता की कमाई में बहुत पहले से साथ देने लगता है, यह नियम है कि नहीं? मान लीजिए अगर 2-4 पुत्र हैं तो छोटा पुत्र अभी जन्म ले रहा है तो बड़ा पुत्र कमाने लायक हो जाता है, इसीलिए उसका हक ज्यादा बनता है, इसको दाय भाव कहते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को राज दिया जाता है, ये सामान्य परंपरा रही। थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इसीलिए जथा दायम कहा गया विभज्य, जैसा दाय भाग था वंश परंपरा के अनुसार उस तरह से पुत्रों में राज्य बांट करके और स्वयं ही राज छोड़ दिया। स्वयं का अर्थ है कि कभी किसी ने सिखाया नहीं कि अब आपको राज्य छोड़ना चाहिए, अब आपको वन में जाना चाहिए, यू शुड रिटायर नाउ, अब आप रिटायर हो जाइए। यहाँ तो मिनिस्टरों को, राजनायकों को, नायकों को
ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं देश के लायक जिनको दो आदमी दोनों से मिलकर उठाते हैं और उठा करके राज सिंहासन पर बैठाते हैं। कार में बैठाना हुआ तो दो आदमी लगते हैं, यही घर नहीं छोड़ते, स्वयं कहां से छोड़ेंगे। अनेक रोग दुख बुढ़ापा कठिनाई है और न्यूज पेपरों में हजारों गालियां रोज दी जाती है, फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी टिके हुए। कितना बड़ा त्याग था राजर्षि भरत, कैसे भक्ति के कारण हुआ, स्वयं छोड़े घर और सकल संपत निकेता स्वनिकेता। उनका निकेत कैसा था? सकल संपत निकेत, उनका निकेत समस्त संपत्तियों का निकेत था। विश्व में ब्रह्मांड में जितना धन हो सकता है, सुख की सामग्रियां जो भी, सब कुछ उनके घर में था, राजभवन में। सकल संपत निकेत स्वनिकेत, राजर्षि भरत ने त्याग किया तो कोई घर के झगड़े से उब करके त्याग नहीं किया। तो चलो घर में झगड़ा हो रहा है तो अब क्या करेंगे, अब कोई इस कान में दाखिल हो नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ा भय सन्न, स्त्री मर गई और घर की संपत्ति ही चली गई तो अब चलो अब छौर करा करके और संन्यास ले लो, क्या कोई सहारा रहा है? इस तरह का संन्यास, इस तरह का त्याग को धैर्य नहीं रखते। समस्त संपत्तियों से पूर्ण अपने राजभवन का त्याग किया, स्वयं त्याग किया। इसका अर्थ है कि पुत्र रो रहे थे कि नहीं पिताजी अभी आप रहिए, सारी प्रजा चाह रहे थे, जिनके नाम से इस देश का नाम बदल गया तो प्रजा कितना स्नेह करती होगी, कोई नहीं चाहते होंगे कि आप वन में जाइए, आप तो पूर्ण भक्त हैं, आप घर में ही पूर्ण भक्ति कीजिए, रहिए। लेकिन एक दिन छोड़ना चाहिए, आज का आदमी तो तुरंत बहाना बना देगा, दिस इज प्रीचिंग, प्रीचिंग के पर्पज से मैं घर में टिका हुआ त्यागना नहीं चाहेगा, अद्भुत बहाना मिल गया है। आसक्ति बस नहीं छोड़ रहे हैं तो प्रीचिंग के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कौन एक और छोड़ कर रह ही नहीं सकते, तो छोड़ना चाहिए, ये सीखने की बात है। अवश्य यह बात है कि अब छोड़ करके जाएंगे कहां, ये प्रश्न अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि वन जो है वो बड़े दुर्जनों से भर गया, वन तो प्राय कट गया और वनों में फल के वृक्ष है नहीं, कंदमूल कुछ है नहीं, वनों में फैक्ट्रियां भर गई कहां जाएंगे, तो अंततः आप जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेवारी छोड़ करके और विशेष रूप से भगवान का जाप पाठ ग्रंथ पढ़ना, ये सब करना चाहिए, इसका यही अर्थ है। अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए भगवान, घर पर भी रहे और कभी कभी छोड़े वृंदावन घूमे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहा करते थे कि कभी कभी मरमर करके देखो कि क्या तुम्हारे बिना बिगड़ जाता है घर का वो कहते थे कि 10 दिन घर छोड़ करके जाओ तो मान लो कि मर गए और मर करके ही देखो कि क्या हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता भी है कि आदमी यात्रा में जा रहा है, बहुत मनोरथ रखा है, योजना बनाया है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता और अस्पताल में जाकर के मृत्यु, वास्तव में मरा हुआ है आदमी, तो कभी भी मृत्यु हो सकती है, ये तैयार तो रहना ही चाहिए। कभी कभी त्याग करके देखना चाहिए कि हमारे बिना क्या हो जाता है, और देखते देखते जब देखे कि अब बिल्कुल ठीक है तो यात्रा भगवान हरि अध्याति निर्जनानां वात्सल्येन संविधाप्यत इच्छानुरूपेण यत्र वाव भगवान् हरिः अज्ञाते तत्रत्यानां निर्जनानां वात्सल्येन संविधाप्यत इच्छानुरूपेण यत्र वाव भगवान् हरिः अज्ञाते तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संविधाप्यत
यथा इच्छानुरूपेण राज्य का त्याग कर वन में चले गए भगवान की और सुदृढ़तर और अनन्य भक्ति करने के लिए। घर छोड़कर वे कुलहाश्रम में गए। कुलहाश्रम यह आज के समय में बिहार में पड़ता है, हरिहर क्षेत्र इसको कहते हैं आज के लिए। उस समय यह बंद था और कुल ऋषि वहां सर्वप्रथम निवास किए थे, उसको इसीलिए उसको कुलहाश्रम कहते हैं। कुलह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जैसे नारद जी ये शंकर जी वशिष्ठ आदि ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसी तरह से कुलह मुनि भी ब्रह्मा जी के बहुत तेजस्वी पुत्र हैं, वो आज भी हैं। तो उन्होंने वहां आश्रम बनाया था उसी सुवन में। वह भगवत क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र है। शालिग्राम शिलाएं वहां की चक्र नदी में आज भी मिलती हैं। शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं, बहुत पवित्र क्षेत्र माना जाता है। तो वहां गए तो उसी क्षेत्र की महिमा बता रहे हैं। जब भगवान की आराधना करनी हो तो घर छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहिए, वह शिक्षा मिलती है जहां भगवान रहते हैं और भक्त रहते हैं। तो जत्र हवा भगवान हरि अद्यापि तत्रत्या नाम निज जनान वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा अनुरूपेण। जत्र शब्द उस स्थान की विशेषता बता रहे हैं। जत्र जिस हरि क्षेत्र में, उसको हरि क्षेत्र कहते हैं वास्तव में, लेकिन बाद में पता नहीं कुछ लोगों के आग्रह से उनमें हर जोड़ दिया गया, तो हरिहर क्षेत्र कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उसको हरि क्षेत्र कहा गया। कालक्रम से विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे हरिद्वार शब्द है लेकिन उसको कुछ समय के बाद लोगों ने हरद्वार कहना चालू किया, हरद्वार, क्योंकि केदारनाथ जी उधर रहते हैं तो उनका भी द्वार वहां है। यह केवल एक अपना आग्रह मात्र है। सारा भारत वर्ष कृष्ण क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है वास्तव में, और सब देवता आदि उनके दास हैं। वास्तविक है कुलहाश्रम का नाम है हरि क्षेत्र। तो उस हरि क्षेत्र में वे गए, हरि का क्षेत्र, भगवान का धाम, जहां भगवान आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी सुखदेव गोस्वामी आज से 5000 वर्ष पहले बोल रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये आती हुई परंपरा तो हम भी अद्यापी लगा सकते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ हरि कहा जा रहा है, तो प्रसिद्ध नाम है श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का। तो हरि का अर्थ होता है कि भगवान परम सुंदर हैं, भक्तों के नेत्र और मन का को हर लेते हैं। प्रेम दिया हरे मन, जो भी व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो उसके मन को श्री कृष्ण प्रेम देकर हर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने सौंदर्य और माधुर्य से, इसलिए उनको हरि कहते हैं, चुरा लेते हैं मन को। और हरि का अर्थ है जो शरणागत के दुख का हरण कर लेते हैं, संसार बंधन हर लेते हैं, किसी भी प्रकार का दुख भगवान हर लेते हैं। केवल शरण मात्र से, केवल प्रणाम मात्र से, नाम के उच्चारण मात्र से वे अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं। ये उनका स्वभाव है। इस संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति हो जो केवल नाम लेने से, उसकी शरण लेने से दुख हर ले, तो उसकी कितनी प्रसिद्धि होगी। ये भगवान अपने भक्तों के या किसी भी व्यक्ति के जो आश्रित हो जाता है उसका दुख हर लेते हैं। इसी से भगवान को रोज प्रणाम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान पर कृपा करते हैं आरती करते हैं या उनको भोग लगा करते हैं, वो कृपा करते हैं। मंदिर बनाया गया है, वास्तव में भगवान की सेवा तो होती है, लेकिन वास्तविक सेवा हम ही लोगों की होती है, तो भगवान हमारा दुख हरते हैं। ऐसा देखा भी जाता है, मंदिरों में लोग जाते हैं तो भगवान को थोड़ी वस्तु अर्पित करते और बहुत ज्यादा मांगते देवी देवताओं के नाते, पता हमारा काम कर दीजिए तो हम आपको एक सिर मिठाई चढ़ाएंगे या इतना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भगवान में यह बात नहीं, भगवान का स्वभाव है कि आप एक तुलसी दल भी चढ़ाएंगे तो वो उससे कोटि गुना ज्यादा देते,
जैसे सुदामा जी को दिए थोड़ा सा चूड़ा खा करके और तीनों लोग जैसे संपत्ति दिया भगवान ने, जो उनका स्वभाव इसलिए उनको हरि कहते। कोई व्यक्ति भी कृष्ण को प्रणाम कर देता है तो कृष्ण उसके विषय में सोचने लगते हैं कि इसका कोई काम करना चाहिए, तो उसके मन में जो होता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कई बार भक्तों से लोग पूछते हैं हम क्या करें, हमको ये दुख है, हमको वो दुख है। वास्तव में सब आशा भरोसा छोड़ करके कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, वो दुख दूर कर देते हैं। इसी कारण से इनका नाम हरि है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मान, हरि शब्द का ही अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे, सारा अमंगल दूर कर देते हैं और प्रेम देते हैं। तो हरि क्षेत्र में कुलाश्रम में, आज कुलाश्रम के उपवन में, उस वन में आज भी जो भक्त रहते हैं, तो प्रत्यानंद निज जनानंद, तो प्रत्य मतलब वहां रहने वाले भक्तों को भगवान आज भी दर्शन देते हैं और उनके साथ रहते हैं। सन्निधाप्यता, सन्निधाप्यता का आपके सन्निधि देते हैं, स्वयं ही संग मिलता है। श्री राजीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि चक्षुषी प्रकटी क्रियते, सन्निधाप्यता का अर्थ है कि भक्तों के आंखों के सामने भगवान अपने को प्रकट करते हैं उस क्षेत्र में। इसीलिए राजर्षि भरत अपना घर छोड़कर भगवान के धाम में गए, तो भगवान की भक्ति बढ़ानी है, भगवान से मिलन करना है, प्रेम करना है, तो जहां प्रेम बढ़ सकता है वहां गए। तो आज भी भगवान वहां भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्त जिस रूप में दर्शन पाना चाहते हैं उस रूप में दर्शन देते हैं, इच्छा न रूपेगा। यदि कोई यह चाहते हैं कि हमें बांसुरी बजाते हैं कृष्ण रूप में दर्शन दीजिए, तो अपना रूप प्रकट करते हैं। तो कोई कोई भक्त है जो भगवान के धनुष बाण धारी रूप को पसंद करते हैं या शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान के रूप को पसंद करते हैं। यह स्वाभाविक है, इस संसार में भी देखा जाता है कि यदि एक व्यक्ति बहुत बहुत रूप बनाए तो उसका कई रूप अच्छा लगता है। धोती पहन कर आया है, कोई पैजामा पहन कर आया तब भी उसको देखने में अच्छा लगता है। ये विविध रूप बनाता है, ड्रामा करता है तो अच्छा लगता है। एक ही व्यक्ति भगवान अपने को अनंत काल से अनंत रूपों में व्यक्त किए, कहीं चतुर्भुज रूप से है, कहीं द्विभुज रूप से है। तो भक्त की अपनी इच्छा होती है, हमें यह रूप बहुत प्रिय है, मैं इसे देखना चाहता हूँ, तो भगवान उस भक्त की इच्छा के अनुसार उसके सामने प्रकट होते हैं। इच्छा अनुरूपेण, इच्छा के अनुरूप प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, वात्सल्येना, वात्सल्य से। वात्सल्य का अर्थ होता है स्नेह, और वात्सल का अर्थ संस्कृत में होता है बच्चा वाली गाय, बछड़े वाली गाय, वत्सल। तो जिस प्रकार गौ अपने पुत्र से, अपने बछड़े से प्रेम करती है, सोचाटती है, सहलाती है और अपना दूध पिला करके बच्चे को पोसती है, इस तरह भगवान अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। तो वात्सल्य कहते हैं स्नेह, सन्निधाप्य स्नेह के कारण प्रकट होते हैं। भक्तों के सामने भगवान आते हैं तो भार मानकर नहीं आते हैं, या अपना कर्तव्य मानकर नहीं आते हैं, सहज स्नेह बस आ जाते हैं। जैसे गाय अपने बच्चे के पास आती है तो सहज स्नेह से आकर्षित होती है। हम लोग देखे हैं गाय चराने में कि बच्चे या चरवाहे गाय को रोकते हैं, लेकिन जो नया नया बच्चा दी रहती है गाय, वो भागती है बाहर से बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन उसको चरने के लिए वो लोग रोके रहते हैं। शाम होते होते कई बार भागती है घर की ओर, दौड़ कर आना चाहती है, तो इसको कहते हैं वात्सल्य स्नेह सबक। तो जो श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, समर्पण करते हैं, और खास करके किसी क्षेत्र में रहते हैं, भगवान के धाम का आश्रय लेते हैं, सब घर द्वार छोड़ करके भगवान के धाम में पड़े रहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जो भी होना होगा यही रहेंगे, तो उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, सन्निधाप्य प्रेम करते। वृंदावन या ब्रजमंडल में ऐसे बहुत से भक्त हैं जो ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते, जो भी होगा सुख दुख लिखा होगा यही भोगेंगे, तुम्हारे द्वार से जाएंगे नहीं, नंद बाबा की देवरी पर, उनके द्वार पर
बैठ करके जन्म बिता देंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। बाहर बहुत आकर्षक दुनिया है, अनेक भोग है, अनेक लोग हैं, लेकिन वो लोग जाते ही नहीं। यह भी एक बहुत सुंदर व्रत है, वास्तव में बहुत महान वस्तु। इसलिए तत्प्रत्या नाम लिखा गया, वहां के जन हरि क्षेत्र के जनों को भगवान स्नेह से दर्शन देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा मानते हैं कि ये मेरा घर है और मेरे घर में आकर के कोई आश्रय लिया है तो उसे दर्शन देते हैं। जब तो आश्रम पदानी उभय तो नालवीर दशक चक्र ही चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वता पवित्र ही करोगी। अब उस क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, वो क्षेत्र कैसा है, तो उसे आश्रम पदानी, पदानी बहुवचन में है, उस हरि क्षेत्र में बहुत से ऋषियों के आश्रम हैं और उन समस्त आश्रमों को चक्र नदी सब तरह से पवित्र करती है, वहां घूम करके बहती है। स्वाभाविक ही तीर्थ में गंगा जी के किनारे या जमुना जी के किनारे ऋषियों के आश्रम होते हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं, जैसे वृंदावन में, ब्रज में, जमुना के तट पर सभी वन हैं, 12 वन पश्चिम में है और 5 वन पूर्व में वृंदावन में, जहां जहां लीला कर श्री नंदनंदन द्वादश कानन से द्वादश कानन। इसी तरह भारतवर्ष में और भी भगवान के बहुत से क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत में और सब जगह जहां नदियों के तट पर भगवान की लीलाएं हुई हैं और आज भी वहां ऋषि जन भक्त जन जाकर अपना आश्रम बनाते हैं, रहते हैं वहां धाम में। वहां नदी जो है उसको पवित्र करती है, आश्रमों को पवित्र करती है, बहुवचन में जहां भगवान की लीला हुई रहती है उस भूमि में अपने आप भक्त जाकर के रहना चाहते हैं, भागते हैं, क्योंकि उस भूमि का संबंध विशेष रूप से भगवान के साथ रहता है। वृंदावन में भी बहुत से ऋषि मुनि हैं, आश्रम बनाते हैं, रहते हैं, यह स्वाभाविक है। तो उसे चक्र नदी कहते हैं क्योंकि ऐसे पत्थर, ऐसी शिलाएं पाई जाती हैं उस नदी में जिसको चक्र का चिन्ह होता है, सुदर्शन चक्र का, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ पत्थर में नाभि का आकार होता है, नाभि होती है, नाभि का अर्थ होता है जैसे हम लोगों के पेट में नाभि होती है, थोड़ा धसा हुआ पत्थर दोनों तरफ, और चक्र का चिन्ह होता है, वो भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है, उसको शालिग्राम करते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कुछ भक्त जाते हैं तो वहां से लाते हैं शालिग्राम, लाते हैं, देते हैं। इतनी पवित्र नदी है इसीलिए उसको सरित प्रवरा कह रहे हैं, सरित प्रवरा, सरिताओं में श्रेष्ठ चक्र नदी ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती हुई बहती है। पूर्ण क्षेत्र होने से प्राय सभी ऋषि मुनि वहां जाकर निवास करते हैं। भगवान को पाने के लिए भगवान के धाम का आश्रय भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 5 महान भक्ति में से एक मथुरा वास करना है, भागवत श्रवण, भागवत के अर्थ का आस्वादन, नाम संकीर्तन और श्री विग्रह की सेवा, धाम वास और साधु संग, ये 5 सबसे महान शक्तिशाली साधन। ऐसे बहुत से भक्ति के आइटम है लेकिन सबका संहार करके 500 भगवान ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उसे एक मथुरा वास, ये कोई आज की परंपरा नहीं है, पहले से ही भक्त लोग आश्रय लेते हैं। राजर्षि भरत अपनी राजधानी छोड़कर भगवान के धाम में गए, तो वहां जाकर के वे किस तरह भगवत आराधन किए उसका वर्णन 11वें श्लोक में कर रहे हैं। तस्मी वाव किल सह एकलह पुलहा श्रमोपवने विविध कुसुम किसल तुलसी काम्बुभि कंद मूल फलोपहारैश्च समीह मानो भगवत आराधनम विविधता उपरत विषयाभिलास उपभ्रतोपशम परां निवृत्तिम अवाप तत्र गतेन भर्तेन कृतम भगवत आराधनम दर्शयति तस्मिन् इति। ह का अर्थ है यह प्रसिद्ध बात है, वाव का अर्थ है हे, और किला का अर्थ होता है निश्चय, निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्र गतेन भर्तेन कृतम भगवत आराधनम दर्शयति,
तस्मिन कुलहाश्रम बने, उस कुलहाश्रम में हरिक्षेत्र में, हरिक्षेत्र के उस उपवन में, वन में एकल राजर्षि भरत अकेला रहते थे। एक दिन ऐसा समय था जब पूरे विश्व के लोगों के साथ रहते थे, राजा यह करना हुआ करना, नाना प्रकार से यज्ञ करना, समाज जुटाना, हमेशा लोगों के साथ ही रहना था। एक दिन ऐसा समय था और ऐसा राजर्षि एक दिन एकल अकेले होने के बाद राजर्षि भरत ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि हाय मैं निरानंद हूँ। उनका आनंद और अधिक बढ़ गया अकेले होने पर, क्योंकि भगवान आराधना में रहते थे। एकल शब्द यह बहुत महत्वपूर्ण। राजर्षि भरत जब घर छोड़े तो ऐसा नहीं कहे कि 10-20 चेला चलो मेरे साथ मेरा सामान ढोया करना, अरे कुछ त्याग होना चाहिए, कभी अकेले भी रह करके देखना चाहिए कैसे रहा जाता है कि नहीं। राजर्षि थे, पूरे विश्व के अकेले रहने लगे, हम लोग दो चार दिन भी अकेले नहीं रह सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, सब कुछ छोड़ा जाता है। ये देखिए राजर्षि की विशेषता, सब कुछ होकर के एकल हो गया, अकेले हो गए, कुलहाश्रम उपवन है, उपवन में रहते थे, वन में रहते थे। तो वहां क्या करते थे, भगवत आराधनम की हमान समी हिमान सम की हिमान समय की हिमान, भगवान की आराधना करते रहते थे, पूजा करते रहते थे। किस चीज से पूजा करते थे, विविध कुसुम किशलय तुलसी काम्बुभी और कंद मूल फलोक हार, विविध पुष्पों से, किशलय नए नए पत्तों से, तुलसी दल से और अम्बुभी जल से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसे पूजा कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, विविध कुसुम किशलय तुलसी काम्ब भी कंद मूल फलोक हार भगवत आराधनम समूह में। जब राजा थे तो बड़े बड़े यज्ञों से पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने का स्वभाव था, लगे रहते थे आनंद से। किसलय लिखा है, वृक्षों के नए नए पत्ते भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो कुसुम किसलय तुलसी का और अम्बुभी, विविध कुसुम अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, अनेक प्रकार के किसलय तुलसी और जल, इसके साथ ही साथ कंद मूल फल ये सब उपहार अर्पित किए जाते हैं भगवान को। तो राजर्षि भरत उस उपवन में जो कुछ सुलभ था उसी से भगवान की पूजा करते थे। राजा थे तो बहुत भारी भारी यज्ञ करते थे, रत्न समर्पित करते थे भगवान को, विविध भोग, और जब वनवासी हो गए, वन में हो गए, फिर भी पूजा कर रहे हैं, विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभी और कंद मूल फल उपहार, कंद मूल और फल के उपहार। कंद एक प्रकार का मूल होता है, जमीन के भीतर रहता है, जो वर्तुलाकार का होता है, गोलाकार, गोलाकार बहुत बड़ा होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर के लोग किसी तीर्थ में बेचते हैं कंद, तो वो कंद भगवान को अर्पित करते थे। और मूल, मूल जमीन के अंदर रहता है और वो किसी भी आकार में हो सकता है, और फल वन में रहने वाले फल तोड़ तोड़ करके भगवान को अर्पित करते थे। पहले के युगों में फल बाजार से नहीं लेना पड़ता था, सब जगह फल सुलभ अर्पित करते थे, सम्यक ई हमान भगवान की पूजा में लगे रहते। विविधता, विविध का अर्थ है भक्ति अनुकूल पदार्थों को ग्रहण करते थे। यदि कुछ खाते थे तो विविध का अर्थ है कि भगवत प्रसाद खाते थे, यहाँ यह अर्थ। जो कंद मूल फल भगवान को अर्पित करते थे वही खाते थे, और कभी भी किसी वृक्ष का फल मूल आदि नहीं खाते थे, जो अर्पित करते थे वही खाते थे, इसको विविध कहते थे। टीका में लिखा गया है विविधता का अर्थ है शुद्धाहार, शुद्ध आहार। मनुष्य जहां भी रहेगा वहां कुछ न कुछ खाएगा पिएगा, खा करके पूजा करेगा, शरीर के लिए आहार जरूरी है, तो विविध आहार करना चाहिए। विविध का अर्थ है होता है विवेक पूर्वक छांट करके अलग, जो खाने के लिए बहुत सी वस्तुएं इस संसार में है
लेकिन कृष्ण का भक्त, भगवान का भक्त कभी भी भक्ति के प्रतिकूल पदार्थों को नहीं खा सकता, भगवत प्रसाद खाते सशुद्ध हो गए। ऐसा से उपरत विषयाभिलाष, विषय अभिलाष उपरतो जस्य स। रूप रस गंध शब्द आदि विषयों की लालसा इनकी बिल्कुल नहीं रही। वो तो राज्य करते थे उसी समय नहीं, जब व्यक्ति राजा है, सम्राट है और राज छोड़ करके वन में गया तो निश्चित ही विषय अभिलाषा उस समय नहीं थी। यदि अभिलाषा होती तो अपना पद त्याग कर वन में क्यों जाता, कोई न कोई बहाना करके राजधानी में बना रहता, कुछ न कुछ बहाना उसके सामने आ जाता। विषय अभिलाषा उपरत पूरी पूरी समाप्त। हम लोग तो मन से भी इसका चिंतन नहीं कर पा सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक बार पूरे विश्व का राजा रहा हुआ व्यक्ति और इस समय एकांत वन में न ये कोई न्यूज पेपर पढ़ रहा है, न फोन कर रहा है, कुछ नहीं, और उसी के पुत्र राजा है, वन में कुछ भी तकलीफ हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि हमारा बेटा राजा है, एक फोन तो कर दूं और सामान पहुंचा देगा, हमारे पास कोई हमें दिक्कत नहीं है। पहले के राजा लोग इस तरफ त्याग करते थे, जानते थे हमारा बेटा राजा है, लेकिन वन से अपनी राजधानी में नहीं जाते, अपने पुत्र के राज्य के अंदर ही किसी वन में रहते थे, लेकिन कभी नहीं जाते थे क्योंकि वे अधिक सुखी थे वन में और उन्हें विषयों की अभिलाषा नहीं होती थी, कुछ देखें, कुछ सुने, कुछ मान सम्मान प्राप्त करें और ये करें वो करें। आजकल कहीं आप जाएं लोग खूब अच्छा स्वागत नहीं करते हैं तो कहते हैं कोल्ड रिसेप्शन हुआ है, ठंडा स्वागत हुआ और उसके विपरीत है वार्म रिसेप्शन, गर्म रिसेप्शन, मतलब खूब बाजे गाजे के साथ और माल्यार्पण करते हुए गीत गाते हुए बहुत से लोग आवे प्रणाम करें तो इसको वार्म रिसेप्शन। क्या होगा इससे आत्मा, ये तो जाल है वास्तव में, ऊपर से ये एक प्रकार का बंधन। वे जब राजा होंगे तो कितना उनका वार्म रिसेप्शन होता होगा, उस समय सारा विश्व ही उनका चरण चूमने के लिए तैयार सब कुछ, लेकिन आज वन में हो गए तरफ विषय अभिलाषा, ये उनको इसलिए अभिलाषा नहीं रहे कि हमारा स्वागत ऐसे हो, हमारा ये हो, हमारा वो हो, ये हो। हमने सुना है कि एक लखनऊ का नवाब था, वो जूता पहनने में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया, अंग्रेज लखनऊ में चढ़ाई किए और सब लोग भाग गए, और जो नवाब था उसके पास उस समय कोई सेवक नहीं था क्योंकि सेवक आदि भी सब डर कर भाग गए, कोई नहीं था, और कहता था जूता पहनाओ जूता पहनाओ जूता पहनाओ, कोई पहनाने वाला नहीं था, और कभी अपने से जूता पहना नहीं था जिंदगी में, कभी अपने से जूता नहीं पहना। तो आज भी कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, शान शौकत से रहता है, तो हम लोगों के यहाँ कहते हैं लखनऊ के नवाब हो गए हो क्या, लखनऊ के नवाब हो गए हो। इस तरह कुछ लोग है अभ्यस्त हो जाते हैं, कोई हमें जूता पहनाएगा तब हम सुख से रहेंगे, कोई हमको चामर दिलाएगा, पंखा दिलाएगा, ये हमारे साथ चलेगा तब हम बड़े आदमी माने जाएंगे, हम सुखी रहेंगे, परंतु कोई न रहे अकेले हो जाए तो कोई आनंद ही नहीं। राजर्षि भरत कैसे थे, कितना ऊंचा हृदय उनका था, भगवान के प्रेम से भरे थे और उपरोक्त विषयाभिलाषा, उपरोक्त विषयाभिलाषा क्यों थे, क्यों उनको विषयों की अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि कुछ हृतोपशम, उपशम का अर्थ होता है भगवान निष्ठा, कृष्ण में चित्त इतना लगा हुआ था, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में उनका चित्त इतना लगा था कि उसके कारण परम निवृत्ति अवाप, परम निवृत्ति परम आनंद प्राप्त करते थे, परम निवृत्ति, यह निवृत्ति का अर्थ है प्रीति भक्ति, भगवान से मिलने वाला परम सुख को मिल रहा था, इसलिए संसार के भोगों की अभिलाषा नहीं थी, तो संसार की कोई अभिलाषा नहीं थी, इतना अधिक